हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रैंड आइडियाज जबलपुर ऑनलाइन स्टडी। मैं देवेंद्र भाई स्वागत करता हूँ आपकी इस वीडियो में। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं ईडी, और ईडी में सेकेंड ईयर में आप जानते हैं बहुत सारे जो डायग्राम होते हैं उनमें डायग्रामों में मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक डायग्राम कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने ट्यूबलाइट का पैरेलल कनेक्शन कराया था आपको, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ट्यूबलाइट का सीरीज कनेक्शन कराने वाला हूँ कि ट्यूबलाइट को श्रेणी में कैसे जोड़ा जाता है। तो एक बात मैं आपको, जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं वो पहले भी पता है कि मैं कोई भी चीज़ बताने से पहले, प्रैक्टिकल से पहले उसको थ्योरिकली समझा देता हूँ। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ट्यूबलाइट को श्रेणी में आप कब जोड़ सकते हैं। श्रेणी में आप जब जोड़ सकते हैं जब आपके पास चोक उतनी ही क्षमता का है जितनी क्षमता की ट्यूबलाइट है। अगर किसी को नहीं आया समझ में तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर जैसे आपके पास 40 वाट का चोक है और दो 40 वाट की ट्यूबलाइट है, ठीक, तो आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपकी ट्यूबलाइट जलना नामुमकिन होगा या मुश्किल से जलेगी, क्योंकि इतना इंडक्टेंस वो बन ही नहीं पाता या इंडक्टेंस के कारण वो ट्यूबलाइट लोड जलेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप 40 वाट के चोक में 20-20 वाट की लगाएंगे ट्यूबलाइट और उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टेंस का मान बराबर रहने के कारण और लोड क्षमता भी बराबर रहने के कारण वो ट्यूबलाइट जल सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि चोक की क्षमता और ट्यूबलाइट का वाटेज हिसाब से बराबर रखना पड़ेगा, तब जाके वो जलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कनेक्शन, कि इसका कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अलग से चौक इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके कनेक्शन के लिए, ताकि आपको कनेक्शन हमेशा समझ में आए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दो ट्यूबलाइट है। सबसे पहली बात मैं आपको इसका आज मान के साथ भी बताता हूँ कि मान के साथ कैसे आप कनेक्शन कर सकते हो। मान लो ये 20 वाट की एक चोक फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ये 20 वाट की एक फ्लोरोसेंट ट्यूब है, 40 वाट का मेरा चोक है, ठीक। अब इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान जाए ट्यूबलाइट के अगर सिरे देखें, टोटल सिरे ट्यूबलाइट में कितने होंगे, चार, दो इस साइड ऐसे ही इसी ट्यूबलाइट में दो इस साइड, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ट्यूबलाइट में सबसे पहले क्या लगाना है, स्टार्टर कहाँ पे कनेक्ट करना है, ट्यूबलाइट के ऊपरी सिरों पर। दोनों ट्यूबलाइट में सबसे पहले स्टार्टर कनेक्ट कर दो, सबसे इजी। आप इस तरीके से, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कनेक्शन नहीं भूलेंगे, क्योंकि सर्किट डायग्राम में है कनेक्शन, अगर आप भूले तो प्रैक्टिकल में बहुत सारी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्यूबलाइट के दोनों ऊपरी सिरे को स्टार्टर लगा दो, स्टार्टर लगा दिए। ये स्टार्टर जब हमने लगा दिए तो हमने कहाँ पे लगाए, ये ध्यान रखना, फिन दोनों ट्यूबलाइट के ऊपरी सिरों पर हमने स्टार्टर लगा दिए। अब आप देखा जाए तो कुल मिला के मेरे पास कितने बचे, चार और बचे, एक इस साइड, दो इस साइड, तीन इस साइड और चार इस साइड, ठीक। अब यहाँ से मेन काम चालू होता है कि ट्यूबलाइट को सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। ट्यूबलाइट को सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, सबसे पहले देखिए इस साइड के सिरों को छोड़कर ये दो सिरे बचते हैं, इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। आपस में पैरेलल में आपने देखा होगा कैसे कनेक्ट करते हैं, आपस में देखिए कैसे कनेक्ट करना है। ये बचा हिस्सा एक है और एक ये इसका हिस्सा बचा है, इसको आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब बचे कितने हमारे पास, कुल दो छोर, एक ये वाला छोर और एक ये वाला छोर। अब इन दोनों में से किसी भी एक छोर को चोक के एक सिरे पर लाकर रख दीजिए। तो मैं इस छोर को ले लेता हूं, मैंने इस छोर को लिया और यहां से इस चोक के एक सिरे पर लाकर लगा दिया। अब जानते हैं आप, ये एक चोक है, सिंबल आप देख ही रहे होंगे, सिंबल से समझ जाएंगे, सिंबल याद करना भी मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंबल से आप समझ ही गए होंगे, ठीक। इसके बाद इसका यहां से कनेक्शन लेके आएंगे। अब जब हमने एक सिरे पर लगा ही दिया है तो हमारा बचा कौन सा, दूसरा सिरा, इसको लेके आएंगे। यहां कौन सा देंगे, फेस, और यहां पे देंगे न्यूट्रल। ये हो गया हमारा ट्यूबलाइट का सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन। मतलब पैरेलल मैंने पिछले वीडियो में आपको करा ही दिया था, सीरीज ये हो गया। अब अभी यहां पर किसी को डाउट है तो अच्छे से एक बार और कनेक्शन में आपको समझा देता हूं कि ट्यूबलाइट के, इस ट्यूबलाइट के चार सिरे हैं, इस ट्यूबलाइट के चार सिरे हैं, दो एक और दो ऊपरी सिरा,
तीन और चार निचले सिरे। तो सबसे पहले ट्यूबलाइट के ऊपरी सिरों को स्टार्टर से कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारे क्या है, स्टार्टर। जानते ही आप ट्यूबलाइट में स्टार्टर होता है, ट्यूबलाइट में स्टार्टर होता है। तो ये हो गए ऊपरी सिरे हमारे कनेक्ट। बचे एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बचा। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया, ट्यूबलाइट की सीरीज कैसे जोड़ते हैं। आप लोग जानते हैं सीरीज कैसे जोड़ते हैं, इस वाले का हिस्सा, अंतिम हिस्सा दूसरी वाले के पहले हिस्से के साथ जुड़ता है। तो देखिए, मैंने पहली ट्यूबलाइट का अंतिम हिस्सा दूसरी ट्यूबलाइट के पहले हिस्से के साथ जोड़ दिया। ये हिस्सा जुड़ा, दिख रहा है, ये जुड़ गया, यहां पर हो गया। अब बचे मेरे दो सिरे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों सिरों में से कोई भी एक सिरा लाकर मैंने किस पे कनेक्ट कर दिया, चोक पर, और चोक में एक सिरे पर दे दिया फेस, और ये वाला हिस्सा हो गया मेरा न्यूट्रल। तो मेरी ट्यूबलाइट काम करना चालू कर देगी। तो ये था हमारा ट्यूबलाइट का सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।